हेलो गाइस, दिस इज सुभोजित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी गैजेट्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बी ब्रैकेट के बारे में। गाइस, आपने पहले भी मेरे जो वीडियोस है उसमें देखा होगा, मैंने बी ब्रैकेट के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि हम लोग फ्लैश होल्डर जो है यूज़ करते हैं और जो उसमें जो है अम्ब्रेला भी होल्ड हो जाता है। सो गाइस, ये जो कंटेंट ये मैंने पहले खरीदा था, जो मैं आपको बता रहा था कि जो है ऐसा ऐसे ब्रिस्क आता है और इसमें जो है ये जो पॉइंट होता है इस जगह पर आप देख सकते हैं, इस जगह से हम लोग जो है अम्ब्रेला होल्ड कर सकते हैं और नीचे ये जो है अपने ट्राइपॉड माउंट पे लग जाता है और जो ये वाला जो है इससे हम लोग इसको एंगल दे सकते हैं कि कितना एंगल पर हमको इसको रखना है, कितना नीचे करना है, कितना ऊपर करना है। पर गाइस, ये जो सिम्पेक्स का ये जो होल्डर है, फ्लैश होल्डर है, इसमें गाइस एक ड्रॉबैक है गाइस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में कि जो है आप जब भी इस चीज़ को परचेज करें तो आप जब भी इस चीज़ को परचेस करें तो आप इसको जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि मतलब कौन सा जो बी ब्रैकेट है वो आपको लेना सही रहेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो बी ब्रैकेट है या तो फ्लैश होल्डर है जो मैंने पहले परचेस किया था, ये पूरा जो है प्लास्टिक की मटेरियल से बना हुआ है गाइस। सो गाइस, इसमें हुआ क्या है, जब मैं इसको यूज़ करने लगा, मैंने 3-4 वेडिंग शूट्स किए, उसके बाद मुझे पता चला गाइस ये जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। गाइस, होता क्या है, ये जो है पूरा प्लास्टिकी कंटेंट है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो कंटेंट आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो गाइस ये भी प्लास्टिक का बना है। और होता ये है कि जब भी हम लोग इसमें फ्लैश माउंट करते हैं, माउंट करते 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 क्या होता है, अब ये वाला कंटेंट देख सकते हैं ये प्लास्टिक जो है थोड़ा सा मतलब लूज़ हो जाता है और ये ऊपर की तरफ ऐसा आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा जो है देखेंगे आप बाहर की तरफ आ गया, ये देखिए ये जो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ के आ गया है। सो गाइस, जैसे ये ऊपर की तरफ उठ के आ जाता है तो क्या होता है कि आपका जो फ्लैश है वो अच्छी तरह से इसमें माउंट नहीं हो पाता और फ्लैश जो है ढीला रहता है, तो इससे ये रहता है कि आपका फ्लैश कभी भी गिर सकता है गाइस। सो इसके अल्टरनेटिव में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कौन सा बी ब्रैकेट परचेज़ कर सकते हैं जो कि सेफ़ और अच्छा हो, लॉन्ग लास्टिंग चले। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास दूसरा बी ब्रैकेट है जो मैंने परचेज़ किया है, ये पूरा मेटालिक है गाइस, और ये देख सकते हैं अब ये मेटल का बना हुआ है, ये जो है पूरा जो है मेटल का है। अब इसमें देख सकते हैं ये होल्डर जो है ये भी मेटल का है, इसमें आपका जो है आराम से जो है ईज़िली जो है ये फिट हो जाएगा। और सेम वैसा ही है गाइस, जैसे कि ये पुराना वाला बी ब्रैकेट है वैसा ही है, पर ये इसका जो कंटेंट है वो पूरा मेटल का बना है। आप ये वाला पोर्ट देख सकते हैं, ये जो जगह है ओपन, ये जो है ट्राईपॉड पर लगता है, ये वही इसको मतलब इसका जो ये एंगल है इसको सेट करके, इधर इधर सेट करके आपको जो है इस वाले जो चीज़ है इससे आप इसको टाइट कर सकते हो, इसको घुमा के ऐसा ऐसा करके ये टाइट हो जाएगा आपका यहाँ पर ऐसा, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो गाइस ये है, और यहाँ पर जो है आप ये नट स्क्रू देख सकते हो, ये वाला जो नट है इससे अपन लोग जो ट्राइपॉड पे लगा के इसको टाइट करते हैं वो चीज़ है। सो गाइस, ये जो है एक अल्टरनेटिव वे है, ये जो है आप यहाँ पर अम्ब्रेला भी लगा सकते हो और ये बहुत बढ़िया कंटेंट है गाइस, क्योंकि ये पूरा फुली जो है मेड अप ऑफ मेटल है। और गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो रेट है उसमें क्या डिफरेंस है गाइस, जो ये जो प्लास्टिक वाला है जो मैंने ये परचेस किया था, ये मैंने परचेस किया था गाइस, मेरे को पड़ता था 170 रुपीज़ का, राइट? तो 170 रुपीज़ का मार्केट से मैंने परचेस किया था ये, और ये जो है ये पूरा मेटल वाला है और इसने मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टूटने वूटने का, ठीक है? तो ये जो है मेरे को पड़ा था 250 का, और बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने मुझे 220 में दे दिया था। तो मतलब लगभग अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 200-220 में आपको ये मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि गाइस आप लोग इसको ही परचेस करें, ना कि ये चीप क्वालिटी जो प्लास्टिक वाला है इसको परचेस करें। मुझे तो पहले लगा था कि अच्छा कंटेंट होगा, मेरा फ्लैश आराम से होल्ड कर जाएगा, इसमें होल्ड तो कर लेता है गाइस, पहले तो अच्छा से चलेगा आपका, पर बाद में क्या होगा, दिक्कत ये होगी कि फ्लैश लगाते 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 ये जो प्लास्टिक है ऊपर हो जाए, ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाने के बाद फिर आपका ये कोई काम का नहीं रहेगा, आप इसको इसमें फ्लैश माउंट नहीं कर पाएंगे, आपका फ्लैश जो है वो हमेशा लूज़ ही रहेगा और कभी भी गिरने का डर रहेगा आपको इसमें। और गाइस, कभी कभार ये होता है कि हम लोग इसमें हैलोजिन भी होल्ड करना चाहते हैं, तो हैलोजिन लाइट जो है वो थोड़ा वेटेड होती है, तो होता क्या है जैसे आप इसमें हैलोजिन लगाने जाओगे ना, तो बिल्कुल ही एकदम मतलब गया गुजरा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप उसमें। सो गाइस, बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है मेटल वाला परचेस करो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे कि मैं अगर कोई भी नया वीडियो आपके सामने लाता हूँ तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।